बार बार स्क्रीन साफ करना, बार बार मेटर खोलना और बार बार कोटिंग करना, फिर धूप में ले जाना और फिर असफलता का ही हाथ लगना। इसलिए मैं इस काम से ऊब गया हूँ। मैं 10 दिनों की प्रैक्टिस के बाद 10 दिनों में मैंने 6 बार मीटर खोले, मगर मीटर 1 भी बार नहीं खुला और बार बार वही प्रक्रिया करने की वजह से मेरा मन इस काम में नहीं लग रहा है। इसलिए मैं प्रिंटिंग प्रेस के काम को छोड़ रहा हूँ और आप इसमें हमें सजेस्ट करें यानी परामर्श दें। दोस्तों, ये जो हमने अभी कमेंट पढ़ा, ये एक हम ही में से किसी का कमेंट्स है जो हमारे व्हाट्सएप पे कमेंट्स किए हुए हैं। हालांकि इनका नाम इसमें नहीं है, लेकिन इन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा, हालांकि हमने आप लोगों को इसमें सारांश ही बताया, बड़ा लंबा चौड़ा इन्होंने इसमें कमेंट्स किए हुए हैं। और ये हालांकि मैं व्हाट्सएप पे जाता नहीं हूँ, 2-4-10 दिनों में कभी कभार मैं चल जाता हूँ व्हाट्सएप या फेसबुक पे, और जब मैं गया तो इन्होंने हमें परामर्श के लिए कहा है और ये भी कहा है कि आप जरूर रिप्लाई करें 2-3 बार इन्होंने रिप्लाई के लिए। फिर हमने सोचा कि इनको रिप्लाई देना जरूरी है। इन्होंने कहा है कि बार बार कोटिंग करना, धूप में ले जाना, ट्रेस बनाना, मीटर खोलना, इसमें बड़ा झमेला है, इसलिए मेरा इस काम में जी नहीं लगता। और 10 दिनों में 6 बार हमने मीटर खोलने का प्रयास किया मगर हम असफल रहे। 10 दिनों में 6 बार, इस बात को भी ये दर्शाता है कि इन्होंने जो अभ्यास है वो निरंतर अभ्यास नहीं किया है। 10 दिन में 6 बार कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन खैर, चलिए दोस्तों, अब इन्होंने जो रिप्लाई मांगा है, हम एक कहानी के माध्यम से इनको हम परामर्श देना चाहते हैं। देखिए, पुराने जमाने में गुरुकुल हुआ करता था जिसमें बच्चे जाकर गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे, कुछ धार्मिक शिक्षा और कुछ उनके व्यवसायिक शिक्षा, जो भी होता था उसमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब बच्चे 6-7 साल के हो जाते थे तो उनको गुरुकुल में भेज दिया जाता था। इसी तरह का एक बालक था वरदराज, उसके माँ बाप ने जब वो 6-7 साल का हो गया तो उसके माँ बाप उसे गुरुकुल में भेज दिए, मगर वो जो बच्चा था वो मंद बुद्धि का था और उसकी पढ़ाई में या शिक्षा प्राप्त करने में किसी भी तरह से उसका मन नहीं लगता था। 5-6 साल बीत जाने के बाद जब उसके साथी जो बच्चे थे वो क्लास में आगे बढ़ते गए, मगर इसमें कुछ ग्रोथ या प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा था, इसलिए ये जो वरदराज था उसी क्लास में पढ़ा रहा। अब ये देखकर गुरु को चिंता होने लगी और चिंता होने के बाद उन्होंने एक दिन वरदराज को शाम के समय में अकेले में बुलाया और उन्होंने वरदराज से कहा कि देखो पुत्र, मैंने तुम्हें बहुत कोशिश के बावजूद भी तुझमें मैं किसी प्रकार की प्रगति नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए तुम्हारी जिंदगी की भलाई के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि तुम इस गुरुकुल को छोड़कर चले जाओ और अपने घर गृहस्थी में कार्य करो ताकि वहाँ पे तुम्हारी प्रगति हो सके, क्योंकि यहाँ पे मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी तुझमें और तुम्हारे शिक्षा में मुझे कोई प्रगति होते हुए नजर नहीं आ रहा। अब गुरुकुल गुरुदेव की बात को मानकर वरदराज जो थे वो अपनी जो पोटली थी, जो उनका कपड़ा लाता था या जो अदर सामान थे, उन्होंने उसे बांधा और सुबह के टाइम में वो निकल पड़े। और साथ में गुरुदेव ने उनको सत्तू आता है खाने के लिए, उसमें उनको पोटली में वो बांध कर दे दिए थे कि घर पहुंचते वक्त अगर बीच में तुम्हें कहीं भूख महसूस हो तो तुम इस सत्तू को खा लेना। अब सत्तू को उसे सानने के लिए उन्हें पानी की जरूरत थी तो वो रास्ते में चलते चलते एक कुएं के पास गए और कुएं की जगह पे वो बैठ कर सत्तू पानी उसमें से निकाल कर और सत्तू सान कर वो खाने लगे। और खाते पीरियड में उन्होंने देखा कि जो कुएं के जगत बने होते हैं, आप लोग खुद कुआं देखे होंगे, वो बड़े ही सख्त पत्थर के होते हैं और पत्थर के जो उसमें से पानी निकाला जाता था रस्सी से वो मुलायम था। अब रस्सी के आने जाने से उस पत्थर पे निशान आ गया था, वो पत्थर कट चुका था। अब जब वरदराज ने इस बात को देखा कि एक मुलायम रस्सी के आने जाने से ये सख्त
बिल्कुल कठोर पत्थर कट सकता है तो क्या हमारे अभ्यास करने से हम शिक्षा की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं? हालांकि इस पे कबीर दास ने एक दोहा भी बहुत ही बेहतरीन लिखा है कि करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। यानी अभ्यास निरंतर करने से कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसमें आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार मुलायम रसरी की आने जाने से सख्त पत्थर कट जाता है, उसी प्रकार आपके अभ्यास से जो आपकी निरंतरता है, उस जिस काम में भी आप रखेंगे उसमें जरूर एक दिन आप सफलता की पुल बांध देंगे। तो अब वो बच्चा वरदराज जो था वो उस कुएं से फिर अपने गुरुकुल लौट गया। अब और गुरुकुल लौट कर गुरुदेव से बोला कि मैं शिक्षा की प्राप्ति करूंगा, ये मैं दृढ़ संकल्प करके आया हूँ। और उसके बाद से उसने निरंतर अभ्यास शुरू कर दिया, सुबह शाम मेहनत करने लगा। और बिल्कुल मेहनत करते करते उसने वो भारतवर्ष का एक बहुत ही बड़ा ज्ञाता बन गया। उसने कई किताब भी लिखे, जो वरदराज था उसने कई किताब भी लिखे, उसने संस्कृत में भी किताब लिखे, उसने कई व्याकरण भी लिखे हैं, आप लोग उनके बारे में जानकारी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख मिलती है कि जिस काम में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रिंटिंग प्रेस का काम में अभ्यास करो या किसी भी क्षेत्र में, जिस काम में भी आप पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ निरंतरता रहेगा और उसमें अभ्यास जारी रहेंगे तो उस काम में आप जरूर सफल रहेंगे। नहीं तो आप अभी किए और फिर बोलते हैं कि इस काम में बहुत मेहनत है, एक दो बार किए फिर मैटर नहीं खुला, फिर बोलते हैं कि भाई ये तो हमारे बस की बात नहीं है। तो इस तरह से बात नहीं बनेगी। इस दुनिया में अगर आप आए हैं तो कौन से काम में मेहनत नहीं है, कौन से काम में आप मेहनत नहीं, इस दुनिया में अगर आप आए हैं तो कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सोए भी रहेंगे उसमें भी परेशानी है, सोते सोते थक जाएंगे, बैठे रहेंगे उसमें भी परेशानी है, बैठे बैठे थक जाएंगे। तो कोई भी दुनिया में काम आसान नहीं होता है और कोई भी काम छोटा भी नहीं होता है। आप काम में सफलता, आपकी निरंतरता, निरंतर अभ्यास को जब आप जारी रखेंगे तो बिल्कुल उस काम में आप सफल होंगे। आप लिख रहे हैं कि 10 दिन में हमने 6 बार मीटर खोला है, हम यहाँ एक दिन में 6 बार मीटर खोलते हैं, उसमें से ऐसा भी होता है कि एक तो नहीं भी खुलता है। तो नहीं खुलने से अब क्या करेंगे, हम काम को छोड़ तो नहीं देंगे, काम को तो हम निरंतर लगे ही रहेंगे। जब आप निरंतर लगे रहेंगे फिर आपका अभ्यास हो जाएगा, फिर आप उसमें कंठस्थ हो जाएंगे, आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो उसका ठोस मूल मंत्र है उसे आप अभ्यास के तौर पे पा सकते हैं, फिर आपको किसी से पूछने ताछने और उसे छोड़ने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब जाते जाते मैं कबीर दास का एक और दोहा आप लोगों को सुना जाता हूँ कि जिन खोजा तिन पानी पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बपूरा बुड़न डरा रहा किनारे बैठ। यानी कबीर दास जी कहते हैं कि जिस गोताखोर ने जितने गहरे पानी में जाकर गोता लगाया, जितने गहरे पानी में गया उसने उतनी ही कीमती चीज लाया। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किनारे बैठकर डूब जाने की डर से किनारे बैठकर अपने समय की बर्बादी करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उस पानी में उतरना है और उसमें से जो भी ठोस हमें मिलता है, जितनी ही उसमें गहराई में, किसी भी काम की आप जितनी गहराई में जाएंगे उतनी ही बेहतरीन जानकारी आप लेकर आएंगे। और कुछ लोग मेहनत की डर से उस गोताखोर की तरह किनारे बैठकर अपनी जिंदगी में असफलता और अपने किस्मत को दोष देते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मुझे लगता है कि जो मुझे समझाना था वो मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। अब बाकी आप लोग पर डिपेंड करता है, कोई करे अथवा न करे, इसमें हमारा और आपका कोई अधिकार नहीं है। ये अधिकार आप तक और व्यक्तिगत रूप से सबके पास सीमित है। तो चलिए दोस्तों हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।